आई यो सब बहुत अच्छे होंगे मैं भी अच्छी हूँ तो आप सबको हैप्पी होली आज होली है तो पूजने वाली होली है खिल्ली तो कल को जाएगी फ्रेंड तो आप सबको मैं अपनी यूट्यूब फैमिली को हैप्पी होली दिल से कहती हूँ आप सबको हैप्पी होली फ्रेंड तो तो मैंने बना लिया है नाश्ता नाश्ते में बनाए हैं जवे तो बच्चों को भी दे दिया है हस्बैंड को देने लग रही हूँ और फ्रेंड हाथ जो बनाए थे वो लड्डू गोपाल जी को पिना दिया देखिए मेरी गिड़िया ने रात मेहंदी लगाई थी और इस वाले हाथ पे लगाया है हमने टिक्का सिर्फ क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया था काम निपटाते निपटाते रात को तो ना देरी करके तो चलिए होली पूजने चलते हैं क्योंकि टाइम हो चुका है काफ़ी नाश्ते का काम निपट गया है मेरा और मैं रेडी हो चुकी हूँ देखी वाली साड़ी डाली है मैंने तो चलिए होली पूजने चलते हैं और क्या कहते हैं लड्डू गोपाल जी को हार पहना देती हूँ बिट्टो को भी बच्चे बच्चों के गले में भी डाल देती हूँ तो चलिए तो ना देरी करके फटाफट से पिना देते हैं लड्डू गोपाल जी को हर चूड़िया नहीं डाल ली है बस चूड़िया जो उस दिन कल बाजार गई थी ना जब लेके आई थी तो वही चूड़िया डाल लेते हैं फटाफट से तो चलिए ना देरी करके और टाइम काफ़ी हो गया है फ्रेंड <laughs> देखिए टाइम तो चलिए फटाफट से डाल हेलो दोस्तों सबको जय श्री श्याम आप लोग कैसे आई हूँ सब बहुत अच्छे होंगे मैं भी अच्छी हूँ तो आप सबको हैप्पी होली मेरी यूट्यूब फैमिली को मैं दिल से हैप्पी होली बोलती हूँ और आज छोटी होली की वीडियो है ये बड़ी होली पे जा रही है क्योंकि आप लोगों को पता है हो होली पे या के त्यौहारों पे कितना काम हो जाता है तो नाश्ता हो गया तो मैंने हस्बैंड को भी लगा के दे दिया है वो नाश्ता कर लेंगे और यहाँ मैं पहनने लगी हूँ चूड़ियाँ जो परसों नया डब्बा लाई थी वही पहना है और अभी ये छोटा निकल गया था दूसरा डब्बा मेरा मैं सोच रही थी वही पहन लूँगी पर वो छोटा निकल गया है तो दूसरे में से रेड कलर की ही चूड़ियाँ डेली यूज़ की मेरी यही डाल लूँगी पूरी बारह बारह यानी कि चौबीस चूड़ियों का डब्बा यानी कि एक तो यहाँ बारह बारह मैंने चूड़ियाँ डाल लिए हैं तो चलिए लड्डू गोपाल जी को मैंने हार पिना दिया है दोनों को उन्हें भी नई ड्रेस पिना रखी है मैंने तो यहाँ गुड़िया को भी पिना दिया है अपनी हार और बेटे को भी पिना दिया है तो हार पिनाने के बाद बच्चों को लेके जा रही हूँ मैं वहाँ पे होली पूजने हमारे यहाँ छोटी होली पूजने जाएंगे यहाँ टिल्ले का मंदिर है ये बच्चों ने हार उतार के रख दिया है क्योंकि छोटे छोटे बच्चे तो हार पहन लेते हैं बड़े बच्चे नहीं पहनते हैं सब बच्चों ने पहन रखा देखो छोटी सी गुड़िया के गले में भी हार दिख रहा होगा आपको तो मम्मी ने यहाँ होली माता को साड़ी पहनाई है क्योंकि होली माता को दो बार की साड़ी पहनानी थी तो दो बार की साड़ी पहनाई है मम्मी ने और यहाँ पूजा कर ली है हमने सतिया वगैरह बना के जो प्रसाद वगैरह लाए थे बेर का पता का सब चढ़ा दिया है और होली की एक माला भी चढ़ा दी है यहाँ पर और बाकी ऊपर गिर दी हैं सब ग्यारह माला थी कितनी सारी तो यहाँ दीवा धूप बत्ती जला देंगे और परिक्रमा लेंगे हम वैसे तो कच्चे सूत से परिक्रमा लेते हैं अब कच्चा सूत है नहीं तो रील ही मंगा रखी है सफ़ेद वाली उसी से परिक्रमा लेंगे और अभी देखिए एक छोटा सा बच्चा चप्पल पहन के आ गया था मम्मी ने उसे पीछे कर दिया ये बच्चे पैसे उठाने के लिए आते हैं और मम्मी कह रही थी पूजा कर ले फिर उसके बाद ले लेना पैसे तो यहाँ हम धूप वगैरह मम्मी आरती वगैरह कर रही है और हवा चल रही है ना फ्रेंड दीवा बार बार बुझ रहा था तो मम्मी ने कहा थोड़ा सा ऐसे करके जलाओ ना जो बुझे ना तो मैंने वो थोड़ा सा बड़कुल्लों की ओड़सी में करके दीवा जला दिया हमारे यहाँ बड़कुल्ले ही बुल्ले जाते हैं फ्रेंड आप लोग कमेंट करके बताना कि आप लोगों के यहाँ क्या बोलते हैं इन्हें तो चलिए फटाफट से दीवा दुबत्ती जला ली है तो यहाँ देखिए धुबा जला लिया है दोबारा जोड़ लेते हैं हाथ और कहाँ यहाँ देखिए मैंने रील ले ली है मैंने लगी हूँ परिक्रमा ग्यारह लूँगी नहीं तो सात लूँगी इस तरह ही परिक्रमा ले लेंगे और देखिए यहाँ पर सब बच्चों ने भी हार पहन रखे हुए दिख रहे होंगे आपको देखो छोटी सी गुड़िया है उसके गले में भी हार है हाँ छोटे छोटे बच्चे ज़रूर हार पहनते हैं और मेरे यहाँ बच्चे थोड़े बड़े हो गए हैं इसलिए नहीं पहना है तो यहाँ मैं लगाने लगी हूँ परिकम्मा मम्मी डाल रही है जल और जल डालती जा रही है और मैं रील की परिक्रमा लेती जा रही हूँ यहाँ जल चढ़ा दिया है और हाथ जोड़ लिया है तो सब यहाँ सूत चढ़ा रहे थे देखिए मेरे गले में भी हो गया था तो चलिए दिखाती ये देखिए छोटी सी बच्ची के गले में भी आप लोगों को हार दिख रहा होगा मम्मी इन से बात करने लगी थी क्योंकि अब जा रहे हैं हम घर पर दिखाती हूँ मैं यहाँ पे कितना सुंदर व्यू है अच्छा लग रहा था ना यहाँ पे और सुबह के टाइम आओ ना बहुत अच्छा लगता है तो यहाँ पे देखिए सब होली पूजन आए हुए हैं अभी सुबह का टाइम है ना तो इतने लोग नहीं थे थोड़ी सी धूप से निकल जाएगी तो जब ज़्यादा लोग आएंगे यहाँ पे तो चलिए हम घर पे आ चुके हैं फ्रेंड तो घर पे आ गए हैं क्योंकि घर पे भी करना है बहुत सारा काम यहाँ लगाने लगी हुई छिंटा दोनों दरवाज़ों पर तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से अब अंदर तो थोड़ी देर आराम कर लिया था बनाने लगी हूँ मीठी चटनी और हरी चटनी दोनों तैयार करके रख दूंगी क्योंकि खाना मुझे शाम को ही बनाना है और तो अभी टाइम बच गया था तो सोचा दोनों चटनी तैयार करके रख देती हूँ तो ये खटाई का पैकेट था तो इसे मैं छान लिया है मैंने और यहाँ गैस पर रख दिया है एक भगोना और उसमें डाल दिया है दो चम्मच रिफाइंड ऑयल और एक छोटी चम्मच हम गेरेंगे उसमें हींग हींग से ही तड़का लगाऊंगी फ्रेंड जिससे खटाई नुकसान ना देवे तो और कुछ नहीं डालूंगी एक चम्मच हींग डाल दिया है उसके बाद थोड़ा सा पानी डाल दूंगी यानी कि आधी कटोरी एक कटोरी पानी लिया हुआ है मैंने तो तीन चार गुड़ की डली डाल दूंगी तोड़ तोड़ के और इसे मेल्ट होने देंगे तो मैं आज आप लोगों के साथ यही शेयर कर रही छोटी होली वाले दिन मीठी हर हरी चटनी बनाना और शाम को दिखाऊंगी मैं क्या क्या खाना बनाऊंगी तो चलिए फ्रेंड चटनी ये डाल देती है गुड़ और जो पानी बचा हुआ है वो भी इसमें डाल दिया इसे मेल्ट होने देते हैं फिर दिखाती हूँ आप लोगों को तो यहाँ देखिए गुड़ बिल्कुल मेल्ट हो चुका है आप लोग देख सकते हो और जो मैंने खटाई छान के रखी थी वो भी हम इसमें ऐड कर देते हैं और चटनी एकदम अच्छी बनती है मीठी चटनी शूट बोलते हैं कुछ लोग तो ये देखिए हमारे इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे जिससे इसमें लंग्स ना पड़े अच्छी तरह घोल घोल के और इसे चलिए पकने देते हैं और यहाँ देखिए मैंने एक चम्मच अरारोट ले लिया है जिससे हमारी चटनी गाढ़ी सी हो जाए काफ़ी वैसे तो गाढ़ी काफ़ी हो जाएगी पर इसका और गाढ़ी हो जाएगी थोड़ी सी तो इसमें एक चम्मच मैंने अरारोट डाल दिया है इसे घोल के और इसमें थोड़ा सा डालेंगे हम लड्डू वाला रंग रखा है डब्बी में मेरे पास उससे कलर अच्छा आएगा हमारी चटनी में तो पहले एक छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर एक छोटी एक छोटी चम्मच में इसमें गरम मसाला गिरा है मैंने फ्रेंड और एक चम्मच सादा नमक और एक चम्मच काला नमक ये काले नमक का अपना ही स्वाद है ये सारे मसाले गेर के आप चटनी ज़रूर ट्राई करना और मुझे ज़रूर बताना कैसी बनी तो ये देखिए सारे मसाले गेर के मैंने इस चटनी को तैयार कर लिया है तो अब इसमें हम ही गेरेंगे थोड़ा सा लड्डू का रंग जिससे हमारा कलर बहुत अच्छा है तो ये देखिए थोड़ा सा लड्डू का रंग घोल लेती थी इतनी तो हमारी चटनी पकने लग रही है और इसे ज़्यादा नहीं पकाऊंगी अगर पकाऊंगी ना ये टाइट हो जाएगी नहीं तो बहुत कैड़ी चटनी हो जाएगी तो धीरे धीरे करके लड्डू का रंग गेरती जा रही हूँ हमारे यहाँ लड्डू में ही मिलाए जाते हैं जो बूंदी वगैरह होती है ना उसमें ही मिलाए जाते हैं वाले कलर तो देखिए धीरे धीरे करके मैं इसे गिरती जाऊँगी और इसमें घेरूंगी ड्राई फ्रूट में मैं खाली किशमिश और छुआरे और नहीं घेरूँगी बीज वगैरह भी थे नहीं खरबुजी के अगर खरबूजे के बीज गिर दो ना बहुत अच्छी लगती है फिलहाल मेरे पास थी ने तो फिलहाल मैं काजू सॉरी नहीं किशमिश और छुआरे ये दोनों चीज मैंने इन्हें अच्छी तरह से कट कर लिए हैं अब इन्हें डाल दिए हैं इन्हें पक बस एक ही खद्दा लगाऊंगी हमारी चटनी रेडी हो जाएगी ज़्यादा नहीं पकाऊंगी क्योंकि ठंडी होने के बाद हमारी चटनी बहुत टाइट हो जाएगी ये तो चलिए इसे पकने देते हैं और फिर कर देंगे गैस बंद इतने हरी चटनी की तैयारी कर लेंगे हरी चटनी की कोई रेसिपी नहीं डाल रही हूँ बस बना रही हूँ देखिए ठंडी होगी कितनी और ये हरी चटनी मैंने धनिया पुधीना दोनों चीज़ अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है तो चलिए इन्हें पीस लेते हैं फिर तो देखिए ठंडी होने के बाद कितनी टाइट हो गई है ये चटनी आप लोग देख सकते हो और ये बहुत टाइट हो जाती है और खाने में भी बहुत अच्छी लगती है आप लोग जरूर ट्राई करना तो चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से तो यहाँ फ्रेंड्स शाम के बज चुके हैं पाँच अब मैं शाम को पाँच बजे वीडियो शुरू कर रही हूँ और थोड़े से अपना चेहरा वगैरह भी ठीक कर लेता तो कि सुबह से ऐसी थी मैं तो शाम के बज गए हैं पाँच चलिए फटाफट से खाना बनाने की तैयारी कर लेते हैं क्योंकि शाम को हनुमान जी का भी खाना जाएगा मंदिर में और विष्णु भगवान जी की भी पूरियाँ निकलेगी तो क्योंकि आज पुण्यों का भी वर्त हो गया है और हमारे यहाँ होली दिवाली पे हनुमान जी का हलवा पूरी जाता है और लंगरी भी जाती है तो इसलिए हमारे यहाँ हनुमान जी का खाना बनता है होली दिवाली पे तो चलिए फटाफट खाना बना लेते तो यहाँ मैंने छोले उबाल के रख लिए हैं कुकर में और बैक आवाज़ हटा दी थी क्योंकि टीवी चल रहा था फ्रेंड बच्चों टीवी नहीं बंद कर रहे थे तो मैंने कहा मैं बैक आवाज़ पीछे ही दे दूंगी पर मुझे पता है मैंने क्या क्या बोला इसलिए मैं बोलने लगी तो चलिए ना देरी करके खाना बना लेते हैं और फ्रेंड अच्छी मेरी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताना तो चलिए मिलते हैं तो यहाँ देखिए मैं देसी घी में मैंने बारह तेरह पूरियाँ बना ली हैं जो मुझे पूजनी है यानी कि मंदिर में भेजनी है गाय की निकालनी है सबकी पूरियाँ मैंने देसी घी में ही बनाई है क्योंकि हनुमान जी का खाना जो होता है ना फ्रेंड देसी घी में ही बनता है तो यहाँ मैंने सारी पूरी देसी घी में सेक ली हैं और फटाफट ये जो सूजी रखी है ना कढ़ाई में इसमें ही बची हुई मैं हलवा बना दूँगी तो ये लास्ट की पूरी थी इसे फटाफट से हम सेक लेते हैं और फिर इसमें ही सूजी डाल देंगे हम और हमारा हलवा भी बनकर रेडी हो जाएगा जो था थोड़ा ही बनाना है ज़्यादा तो बनाना नहीं है मुझे हलवा तो चलिए फटाफट से निकालते हैं। और गुजिया वगैरह मैंने सब बाज़ार से मंगाई है फ्रेंड क्योंकि घर पे बनाने का मुझे टाइम नहीं लगता है बिल्कुल भी क्योंकि हमारे ये पूजने और इसका काम ज़्यादा होता है तो यहाँ देखिए मैंने ये निकाल ली और इसमें डाल दी है सूजी तो चलिए फटाफट से हलवा तैयार कर देते हैं क्योंकि फिर हनुमान जी का प्रसाद भी जाएगा फिर पूजा भी करनी है शाम की तो यहाँ देखिए सूजी भुन गई थी उसके बाद डाल दी है थोड़ी सी किशमिश और चीनी एक साथ डाल दूँगी क्योंकि जब कोई काम जल्दी जल्दी करना होता है ना तो अलग अलग का टाइम नहीं रहता है तो यहाँ देखिए सूजी और चीनी एक साथ डालकर इसमें डाल, इस डाल दूँगी पानी बस हलवा पकने दूंगी और इसके बाद इतने प्लेट वगैरह लगा लूँगी मैं और फिर हस्बैंड को दे दूँगी वे चले जाएँगे लेकर इतने फिर मैं पूजा कर लूँगी और फिर सबका खाना लगा लूँगी क्योंकि टाइम काफ़ी हो जाएगा आठ साढ़े आठ बज गए थे फ्रेंड खाना खाने में ही और वैसे तो साढ़े छः या पौने सात बजे तक हनुमान जी का प्रसाद चला गया था इसमें भी थोड़ा सा लड्डू का रंग डाल दिया है जिससे कलर अच्छा आ जाता है हलवे में हमारे यहाँ जरूर डालते हैं इसलिए मैंने थोड़ा सा डाल दिया इसमें भी तो चलिए फटाफट से लगाती हूँ प्लेट तो हलवा बनने देते हैं फ्रेंड तो आप लोग देख सकते हैं हलवा बनने लग रहा है और मेरा सारा खाना तैयार हो चुका है बस खाने खाने के लायक पूरियाँ से एक नहीं रह गई है तो वो ही तो सारी पूरियाँ मैंने देख ली हैं तो हलवा हो गया है रेडी तो चलिए लगाते हैं भगवान जी की प्लेट प्लेट में ही रखूँगी अलग हलवा और चार पूरी रख लूँगी उसमें सिंदूर है दीवा बत्ती माचिस है तो ये देखिए ये सारा सामान रख लिया पैसे वगैरह तो ये देखिए चलिए मैं दे देती हूँ हस्बैंड को वो मंदिर लेके चले जाएंगे और यहाँ कर लेती हूँ पूजा तो यहाँ देखिए शाम के पौले सात बज चुके हैं फिर भी तो वो लेके चले जाएंगे और मैं यहाँ कर लूँगी पूजा मैं अपने लड्डू गोपाल जी से मिलवाती हूँ देखिए कि कितने क्यूट लग रहे हैं आज उन्हें नई ड्रेस पहनाई थी मैंने तो यहाँ देखिए हमारा शाम की पूजा होगी है विष्णु भगवान जी को भी भोग लगा दिया है ये हमारे बड़े लड्डू गोपाल जी हैं तो चलिए फटाफट आरती वगैरह कर लेते हैं और फिर उसके बाद खाना की पूरियाँ बनाएंगे नहीं तो थोड़ी देर बर्तन वगैरह हो रहे हैं थोड़े से वो साफ़ करूँ बता तो रही साढ़े आठ बज गए थे फ्रेंड खाना बना बर्तन वगैरह खोलने में ही तो चलिए फटाफट कर लेती हूँ पूजा फिर मिलती हूँ आप लोगों से तो यहाँ फ्रेंड पूजा हो चुके हैं मैं आ गई हूँ किचन में और बस खाना बनाने की पूरियाँ रह गई हैं और बर्तन वगैरह भी मैंने साफ़ कर दिए हैं यहाँ चढ़ा दी है गैस पर कढ़ाई क्योंकि सर्दी पूरी जो बनाऊँगी रिफाइंड में ही बनाऊँगी तो चलिए दिखाती हूँ मैं एक एक करके आपको खाना दूध भी आ चुका है हमारा रात का तो चलिए फटाफट से सेक से लेते हैं पूरी और मैं आपको सारा खाना दिखाती हूँ आज मैंने क्या क्या बनाया है फ्रेंड तो चलिए ना देरी करके आप लोगों को दिखाती हूँ फ्रेंड तो ये देखिए छोले बिल्कुल रेडी हैं आप लोग देख सकते हो एकदम अच्छी तरह से मैंने छोले बनाए धनिया वगैरह गिर दिए तेज़ पत्ता वगैरह इसकी कोई रेसिपी शेयर नहीं करी है बस मैंने तो मैं दिखा रही हूँ आज क्या के यहाँ कढ़ाई चढ़ा दी है गैस पर और हलवा मैं आप लोगों को दिखाई दी थी बनाते पे ये हलवा रखा हुआ है यहाँ पे और आलू गोभी मटर गिर के मैंने सब्जी बनाई है सूखी तो ये देखिए हमारी आलू गोभी की सब्जी भी रेडी है तो चलिए फटाफट से पूरियाँ सेक लेते हैं फ्रेंड और मैं सारा आटा सेक के रख दूंगी क्योंकि सुबह सुबह तो फिर बनेगी नहीं दो चार नाश्ते में ही ले लेंगे हम पूरियाँ तो आप लोग देख सकते हो कितनी सारी मैंने पूरियाँ सेकी हैं तो फ्रेंड अगर मेरी ये छोटी सी वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगेगी तो मेरी वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट करके बताना कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी और जो न्यू हो मेरे चैनल पर जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़ मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए आप लोग शेयर करोगे तभी थोड़ा सा सपोर्ट मिलेगा फ्रेंड मुझे तो मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ फ्रेंड अपना सबका अपनी फैमिली का ध्यान रखिए सबको हैप्पी होली बाय बाय